टीनी पापा टीनी पापा टीनी पापा टीनी पापा घिंग घिंग। हमारा ये सफर 4 घंटे 45 मिनट का होगा। मिनट का साथ लेते हैं। पहली बारी मेरी बस बैठी ना जी, एदा एडा लम्मा ना। अच्छा, एडी एडी अखा से मैं 2 ब्रेकां मारियां, शीशे च वजी ते फिर नहीं होगी। ये बैठ के गाड़ी क्यों चला रहे थे, ये क्या चक्कर है सर? असल में पता, ज्यादा बैग ना पेट च हो जाता गैस। इसी वजह से हमारी बस सर्विस में एयर फ्रेशनर होता है सर। फ्रेशनर कर दूं? अच्छा जी, खतरनाक ड्राइवर है ये। बस लेट गई कि मैं उस स्टेप कर सकता हूं। इन्हें एक बार मैंने कहा जी, मेरे इन्हें एक बार मैंने कहा, मैं बंदा चीका मारता रहे जी, गड्डी रोको गड्डी रोको। नहीं, मैं अपने टर्मिनल पे जाके ब्रेक। अपने टर्मिनल पे जाके रोकनी है, बंदा भावे मर जाए बच्चे, तू नहीं गड्डी रोक रही। तो तेनू कौन कहना अंदर इनिया पेस्ट्रियां खाया? कई बकरियां नु अल्लाह मियां ने मेरी गड्डी च खुशी बखाई। और एक गड्डी लाल के टूटण वाली माई लैन चला गया। माई नाल भाई हुंदी सी, हुण इनू इना तजर्बा हो गया कि बकरी नु कित्थों कुटना। सही कह रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जान रैंबो यूट्यूब चैनल और मैं आपको दी जान रैंबो शो में वेलकम करता हूं। ख़वातीन हज़रात, आप में से हर किसी ने बस में ज़रूर सफ़र किया होगा। कोई खुशी में सफ़र करता है, कोई गमी में सफ़र करता है, कोई किसी हालत में होता है, कोई किसी मूड में होता है, लेकिन बस सर्विस वालों को इससे कोई गर्ज नहीं, वो अपना काम करते हैं। वक्त के साथ साथ तरक्की हुई, तब्दीली आई, बहुत सारे शोबों में हमने तरक्की की और इस तरह अब बस सर्विस में भी ज़बरदस्त तब्दीली है जी। एयर कंडीशन, वाईफाई वाली और ज़बरदस्त साउंड सिस्टम वाली बसें हैं, जो हेडफोन लगा के कोई डिस्टर्ब नहीं होता, वो बसें भी आ गई हैं। लेकिन अभी भी कुछ इलाकों में, कुछ शहरों में वो बसेस भी चल रही हैं जिनकी आवाज़ दूर से आ जाती है, एक हॉर्न की आवाज़ है जो हमें भी बचपन याद दिला देती है, अब भी सुनाई देती है, टीनी पापा टीनी पापा टीनी पापा टीनी पापा घिंग घिंग। वो बसें जो हैं वो अभी भी चलती हैं और बहुत सारे पैसेंजर जो हैं वो बड़ी बस अफोर्ड नहीं कर सकते, महंगी वाली, वो उस पर सफ़र करने पे मजबूर हैं, उनका भी दिल करता होगा। लेकिन कोई कहते हैं जी हमें मज़ा नहीं आता, हम तो उसी बस में जाते हैं जी, ज़बरदस्त गाने चल रहे होते हैं, खिड़की खोलो ताज़ी हवा आ रही होती है, हर तरह के बंदे हैं, हर तरह का मूड है, अपनी अपनी मर्जी की सवारी करते हैं। तो मैंने जनाब टीनी पापा वाले ड्राइवर को भी बुलाया है और एक महंगी बस सर्विस वालों को भी बुलाया है, इनसे बात करते हैं। कहीं मत जाइएगा, भरपूर तालियों में मेरे मेहमानों का इस्तकबाल करें। शो शुरू करते हैं, द जान रैंबो शो जी। तो मेरे पहले मेहमान है जी, महंगी बस सर्विस। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आप ड्राइवर हैं माशाल्लाह, वर्दी से लग रहा है। जी जी जी। और आप बस होस्टेस हैं। खवातीनों हजरात, मुतवज्जे हूँ, हम बरास्ता मोटरवे इस्लामाबाद से लाहौर के लिए रवाना हो चुके हैं। हमारा ये सफर 4 घंटे 45 मिनट का होगा। मिनट का साथ लेते हैं। बस में सिगरेट नोशी मना है। दिल खराब होने की सूरत में आप वॉमिट पैक मुझसे तलब कर सकते हैं। शुक्रिया। देखो कितनी खूबसूरत आवाज है, तो इन बसा च नहीं मिलेगी, ये साड़ियाँ बसा च प्रोवाइड है आवाज, यकीन करो। और मेरी भी जितनी बस होस्टेस है मेरी तरह कोई। अच्छा, ये आप हर बात में क्यों करती हैं? देखिए आपको पैसेंजर को हल्का हल्का एंटरटेन भी करना है। असल दे विच इंस्पायरेशन जिहड़ी है ना, वो साडी पीआईए दी है। अच्छा, जहाज दी। अच्छा, वहां से आप लगे कि असि जहाज जा रहे हैं। अब जहाज तो लगता है। अच्छा, आपकी बस में वो भी होता है पुड़ून? अगर 3000 सर आपने मुझे बताया ही नहीं पुड़ून क्या होता है। वो पुड़ून अक्सर मैं करता हूँ, तुम की बात कर रहे हैं। अच्छा, वो आप अनाउंस करते हैं? ये अनाउंसमेंट करते हैं, बाद में हल्का सा पुड़ून मैं करता हूँ। सर आप यकीन कीजिए, सारी बसेस छोड़ के अगर मैं अपनी ड्यूटी आपके साथ लगाती हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ पुड़ून। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जी। मेरी दूसरे मेहमान है जी, अपना वो बस जो टीनी पापा टीनी पापा टीनी पापा गंग गंग। अस्सलाम वालेकुम। बस रोकी, मैं मेरा बच्चा थल्ले रह गया। एक मिनट और भी पहने, तू ओना च ले लेंगे। अच्छा जी, आप पाजेदा जी, जेदा उस्ताद जी, उस्ताद जेदा, जेदा उस्ताद, और आप हैं जी पैसेंजर हैं जी। हेलो मां जी, पक्की साड़ी सवारी है जी। अच्छा, पक्की सवारी है। हर बारी मेरी बस च इन्होंने बैठ के जाना होता, जो पहली बारी मेरी बस च बैठी ना जी, एदा एडा लम्मा ना। अच्छा, एडी एडी अखा से मैं 2 ब्रेकां मारियां, शीशे च वजी ते फिर नहीं होगी।
क्या क्या खूबियां जी जैसे इन्होंने बताई? खूबी ए जनाब बस घरों कड्डी दी जी तो फिर काट लिया। हमारी बस टर्मिनल से निकलती है ना जी, घरों निकलती है, घरों निकलती है। आप गुस्से में गाड़ी भी मार देते हैं सारे, यही तो बदला लैन का टाइम होता है, तरीका होता, ब्रेक मिस हो गई जी फिर बच गई आपकी इजाजत से। आप बैठ के गाड़ी चलाते हैं, आपने कैप पहनी हुई है, ग्लव्स भी कभी कभी आपने पहने होते हैं, तो आप बड़े यूं सीधे चला रहे होते हैं गाड़ी और ये शीशे में देखते हैं। उस्ताद जी जेदा उस्ताद, आप ये बैठ के गाड़ी क्यों चला रहे थे, ये क्या चक्कर है? सर असल में पता, ज्यादा बह बह के ना पेट च हो जाता गैस थोड़ा ज्यादा करके ना जनाब। अच्छा। उस वेले असि गड्डी नूं रहे रेस भी दे दी है। अच्छा। ताकि वास्ता पता ना लगे। अच्छा ठीक है जी, तेज रेस दे विच। अच्छा आपने सारे शीशे इसलिए खोले होते हैं? खोले होते जी, क्योंकि सवारियां ते भी कोई पाबंदी नहीं, सर ते भी कोई पाबंदी नहीं। नहीं नहीं, जरूर गैस ते भी कोई पाबंदी नहीं। ਉਹ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਹਿ ਪੈਣਾ, ਥੋੜਾ ਪਾਸਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰ ਲਈਦੀ ਹੈ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਲਈ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਹਮਾਰੀ ਬਸ ਸਰਵਿਸ ਮੇ ਏਅਰ ਫਰੈਸ਼ਨਰ ਹੋਤਾ ਹੈ ਸਰ, ਫਰੈਸ਼ਨਰ ਕਰ ਦੂੰ? ਹਾਂ ਉਨਕਾ ਸਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਉਸਮੇ ਹਰਕਤ। ਅਸਲ ਚ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਤੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਸਪਰੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਵਾਵਾਂ ਖੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਨਕੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਦੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? हर सफर में एक चक्कर में जी आप ड्रेस चेंज होते हैं, आप फ्रेश होकर आते हैं, शावर लेते हैं, अच्छा सफाई का ख्याल रखते हैं जी, बिल्कुल जी। इनकी मतलब तो ब्रेक भी नहीं है, इनकी बस में पूछे ब्रेक है इनकी बस में? ये बस होस्टेस जो है माशाल्लाह इनका काम इतना अच्छा है, दिन में दो मरतबा ना आती है, मतलब दो बसों के साथ जाना होता है जी सर, सैनिटाइज्ड माहौल होता है। अच्छा जी जी, सर आजाद बस है साड़ी, मतलब जड़ी मर्जी सवारी जिवें मर्जी बैठ सकदी, किसी ते कोई पाबंदी नहीं। अच्छा वेखिया जनाब, शीशा खुला हुंदा साडी बस, पेंडू धोती बन के बैठे हुंदे, ठीक है, हवा चल रही खुली, हवा चल रही, कई बारी उन्हें हिलाना पिया, पाजी सिद्धे होके बैठो जरा। असी जनाब साडी बस कोई पाबंदी नहीं, हर चीज असी गड्डी दे अंदर रख लई दी, ट्रंक भी रख लई दी, हुक्का भी रख लई दा, मंजी भी रख लई दी ने, बकरियां खोते तक मैं बसां ते चढ़ा के लै जाना। ओए ते इज्जत नाल चार बंदे चढ़ांदे ने इन्हां ने, ਇੰਜ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਡਿੱਗੀ ਚ ਵਾੜਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਤਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਨਹੀਂ ਖੋਤਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਜਨਾਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉੱਤੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡੌਂਕੀ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜਨਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨਾਲ ਵਾੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡੌਂਕੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਡੌਂਕੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵਾੜਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਟੇਪ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਤਾਰ ਨੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਲੱਤ ਵੱਜ ਜਾਵੇ ਭੀੜ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਟੇਪ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਗਲਤੀ ਮਾਰ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਲੱਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਟੇਪ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਅਗਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਟੇਪ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੂੰਹ ਕੱਢੋ ਬਸ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਕੀ ਬਸ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੂੰ ਨਾ, ਤੋ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ सर आप देखिए इन्होंने कितनी खूबसूरत बात की कि खोते को पैक करके ले जा, आपको पता है खोता जल्दी जल्दी पैक भी नहीं होता, टाइम लगता जी, खोता एरिया ज्यादा होता जी खोते, ठीक है, मतलब आपके कहने का मतलब है कि आप कोई भी चीज जो है वो पैक किए बगैर गाड़ी में नहीं रखते, नफासत से हमारी खोता पैक करना भी इतना जरूरी है, जी जी सोच नहीं, सही है सही। अच्छा उस्ताद जेदा जी, आपने नाराज नहीं होना, आपके बारे में शिकायतें बड़ी हैं, शिकायतें हूं असि भी मतलब टेप करके चढ़ाइए, बकरियां नु टेप करते हैं, नहीं मतलब सवारियां कहती हैं जी आप बहुत बुरे कट मारते हैं जी, आप बहुत ऊंचे ऊंचे गाने लगाते हैं, किसी को कोई पता नहीं, आपको क्या पता है कि कोई फोतगी पे जा रहा है, किसी के दिल की क्या पोजीशन है, आपने ऊंची आवाज में बड़े बड़े अजीब गाने लगाए होते हैं। मैं गल गलत जनाब, मैं मौका मुनासिबत देख के गाने लाना जनाब। किस तरह? इसका इस तरह बस लेके मैं जा रहा था जी, सामने मैं देखे कि किसी के घर नूं अग लगी थी। अच्छा, उत्थे मैं गाना लाया, लता जी दी कैसेट कट के मैं इंज करके लाई ये गाने, ते गाना स्टार्ट होया, वो देखो जला घर किसी का, की मौका यार, ये टूटे हैं किसके सितारे, सर मौके दे सामने, फिर बारिश हुई है। अच्छा, उत्थे मैं सिगरेट लाके ते वो गाना लाया,
बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया बोरी भी उठा लाया। ये मैं इस औरत को अपनी बस में सिर्फ इसकी की वजह से नहीं बैठने देती करके नहीं, आपकी बस में बैठती है बहुत बैठती है। मैं मैंने कितनी दफा इनको अपने हेडफोन चोरी करते हुए देखा है। जा हेडफोन तो अपनी फुर्सत नहीं होती ड्राइवर को लो, देखो टाइम मिले तो हेडफोन इकट्ठे करे ना। मैंने सारे हेडफोन काउंट किए पूरे नहीं थे, एक कम था, मैंने इनकी पूरी तलाशी ली, हेडफोन नहीं मिला। बस से नीचे उतर के पता नहीं कहाँ से निकाल के क्या दूसरे शहर कोई कारोबार है? नहीं 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 मेरे ससुराल ने। अच्छा उठे जानी है मैं झूठ बोलन डी बस के झटके पसंद आ गए सफर कर ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਸਮਝੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਸਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਖਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਮਤਲਬ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। अच्छा नहीं जी जगाना ही है वाला चुंगला फिर उन्हें केड़ी लोड़ मुंह इधर नु करके ठा छोटे को बबो मान करके उठ के सारी जिंदगी सो गया तो मेनु फड़ ली लो। बहुत अच्छे वो अपना जेड़ा अलाउंस है वो अपना ग्वाल है। अच्छा आपको बोनस भी मिलता है? सर एक्चुअली हमें हर विजिट के 750 रुपीस मिलते हैं और बोनस अगर मिलता है तो इनका मूड ठीक हो तो मिल जाता है। अच्छा इनका मूड कैसे ठीक होता है? सर मेरी सर्विसेज की वजह से मैं इनको जगा के रखती हूँ, इनका फेवरेट म्यूजिक लगा के कानों पे हेडफोन लगाती हूँ, बार बार पानी देती हूँ, एसी का रुख इनकी तरफ करती हूँ, मेरी ड्यूटी है। देखो पेट की खातिर की करना पड़ता है, यहोजे बंदे नूं खुश करना पड़ता है। और अभी तो कहती है ना शुक्रिया, अभी तो कहती है। अच्छा जी खतरनाक ड्राइवर है ये। आदत पई है कट्टा मारन दी, जिद्दन इहदा निकाह सी इहने ते निकाह खां दा डेला कढ़दा सी। और जनाब काटी ते मेरी मशहूर उस्ताद लोकी एवें नहीं कहंदे रैंबो साहब, जदों मैं फैसलाबाद तो बस लैके आंदा सा ना जी, सिंगल सड़क हुंदी सी, उदों सामने आने लई बस नूं रस्ता भी देना ते अपना टाइम भी पूरा करना है। ओहो ते जनाब जेदा उस्ताद एवें नहीं मशहूर। अच्छा फैसलाबाद तो एक बार मैं बस लैके आ रहा रात का टाइम सी, इंज करके मैं गड्डी देखी सामने गड्डी आंदी मैं वेखी, इंज करके मैं अद्धी गड्डी थल्ले लाई, इंज करके तो उत्ते लिया दोबारा खड़ी की, लोगों ने ताड़ियां मारियां ने ते जनाब बस के उत्ते सवारियां थल्ले सवारियां, जिस वेले मैं इंज करके कट मारी है लिया के गड्डी मैं खड़ी की, लोगों ने ताड़ियां मारियां सी, एक बंदा ड्राइवर आले दरवाजे च चढ़े मैं ठा ठा चपेड़ा मारन लग गया। क्यों? मैं कहा तेनू की तकलीफ है, तू क्यों मार रहे हो, सारे ताड़ियां मार रहे, तू मैनू क्यों मार रहा? कहंदे जी मैं उत्ते टूल बॉक्स ते सुता सा, तुसी कट मारी है ते मैं पैली च जा पे। अच्छा पैली च डिगा उहदे नक च मूंह मिट्टी, कन्न च मिट्टी, मूंह च मिट्टी आ गए। मैं कहा नहीं भी तेरा राइट है तू मार सकदा। आपको जब बहुत ज्यादा फॉग होती है यानी धुंध होती है सर्दियों में हमारी बस सर्विस रोक दी जाती है, एक साइड ते लाके दो में बाहर निकल जाने। बाहर निकल जाते हैं लेकिन हमारी बस सर्विस बंद हो जाती है, मोटरवे बंद हो जाती है और ये लोग धुंध में अन्यवाद जीटी रोड पे गाड़ियां चलाते हैं। ये भी शिकायत है जी, एक तो आप गाड़ी तेज चलाते हैं और धुंध में भी आप गाड़ी खड़ी नहीं रखते और इतनी तेज चलाते हैं, आपने तो गाड़ी चलानी नहीं होती, आपने तो सुना है कि जी रेस लगाई होती है कि पिछली गाड़ी आगे ना निकल जाए। सर वेखो कंपनियां चल दियां ने, मैं वड़ैस दी गड्डी चलाना जरा जी जी, वड़ैस साहब दी गड्डी, और मेरे कोल हुंदी कंपनी दा एक नाम है, मेरे नाल शबीर आले दी गड्डी लगी है, नजीर कोस्तान दी गड्डी लगी है, ते इन्हां नूं मैं अगे लंघन दित्ता ते वड़ैस तैयार कदा होया। अच्छा इत्थे सर रेस हुंदी है धुंध दी वजह तो, अपनी जान बचाण वास्ते किसी सवारी दी तुसीं हुणी गल कीती कोई फौत कीते जा रहे किसी दे घर कोई एमरजेंसी है ओहनूं धुंध दी वजह तो मैं रोक देवा कि तुसी नहीं जाना, लेकिन उनकी जिंदगियां खतरे में है। हमारी बस सर्विस में इनके साथ होस्टेस होती है,
इनके कंडक्टर के पास सिर्फ एक आलू होता है जो उसने स्क्रीन पे रगड़ा। आपने सफाई बाद में देना, मुझे बात करने दे। एक मिनट, ये क्या बात की आपने, आलू होता है स्क्रीन पे रगड़ना। फॉग हो जाती है ना उसकी, पांच पांच मिनट बाद कहते हैं जाके आलू रगड़ दे, नजर नहीं आ रहा। वो सारा मेरा मुंडा ना नाल आलू छोले भी गड्डी च भेजदा। अच्छा, उन्हें छोले रखे ने नाल आलू रखे ना, वही बस बस दो आलू खा लेगी तो केड़ी गल। हां जी, कच्चा आलू आप बस पे मारते हैं। बस बस भी इंसान स्क्रीन साफ रहती है, उस पे पानी या फॉग नहीं जमता। सर स्क्रीन साफ रहती है, आलू दे नाल थंडाई शीशे ते नहीं आंदी, शीशा साफ रहता है। ठीक है ना, इस वास्ते वो मारना पैदा। जनाब तुसी गल की है कि असी मुखालफ बस नू अगे नहीं लंघन दी, नहीं निकलन दे। मेरे वालदे मोहतरम ने अपनी लत कटाती अगर गड्डी नहीं अगे लंघन दी। लत कटवा दी? हां जी, गड्डी नहीं अगे नहीं लंघन दी। वो किस इंज करके गड्डी लैके जा रहे सी, नाल जुड़ी है गड्डी स्पीड वालियां दी। हां जी, हां टोरन लगे ने ते अब्बा जी ने वेख्या कि गड्डी दी स्पीड वध रही, साडी जरा गड्डी लूज हो रही है। अब्बा जी ने दरवाजा खोल के लत बाहर कढ़ती, वो पायलट गेट दे विचों। हां जी, उन्हें गड्डी रोकन दी खातर आया जा रहे उधर लत, वो ड्राइवर डरदा कि लत अगे जनाब कुर्बानियां दित्तियां ने। इनके अब्बा जी शर्मिंदा नहीं हुए, जो आगे गाड़ी निकल गई उसमें इनके अब्बा जी की लात थी, तो फिर अगले स्टॉप तो लत ले जा। लत दे यार, बंदा फिर बेल्ट बुल्ट करा लेना। एक शिकायत ये भी है कि किसी का गाने सुनने का मूड है, किसी का नहीं है, आपने फुल आवाज में वॉल्यूम चला के जेड़ा गाना गाने दे नाल गड्डी चलती है। मैनू रख ले कैलेंडर नाल, जी करदा चला मैं तेरे नाल, लम्मिया रचे दिया वे लम्मिया रूटां ते, हो वे लम्मिया रूटां ते, चंग सर गोदा मियां वाली मुल्तान जिया रख पाकिस्तान गड्डी चलदी चो मार के छा, पिछो होवेगा बुरा तेरा, विलमे विलमे रूटा ते, माइंड बनता गड्डी चला। आदमी तुम वहां पे सिगरेट पी रहे होते हो, पैसेंजर्स को वॉमिटिंग हो रही होती है। यानी देखो रे भाई साहब कितना फजूल सवाल है। यानी मैं सिगरेट ना लाम मैं सौ जावा, और 72 सीटा 72 सवारियां जेड़ियां बैठियां उन्हां दी जान दी परवाह ना करा। हाँ। मैं सौ जावा, ओ एक्सीडेंट तो बच जाना ने, फेफड़ियां दी बीमारी तो मर जाना उन्होंने। ओ यार ओ तो देर बाद मरनगे, एक्सीडेंट च फौरन मरदे बंदे। वैसे गाने नहीं बजा तो आवे कि बंदा ना सजदे नहीं, तौर ते इजी हो जाता है। यार सदके जाना, मैं फोक की ते जा रही सा, पर इन्नू नहीं सी पता कि मैं फोक की ते जा रही हां जी, और मैं हल्का हल्का रो भी रही सा। इन्ने अपनी गड्डी जो गाना ला लिया, हाय गर्मी हाय गर्मी हाय गर्मी, इंडिया दा गाना ओ के की गाना है, गर्मी में भी सेक लगे, मेरा बड़ा दिल किया इंज कर कर मैं स्टेप करा। तुम दसो कि मैं मस्त लेट के किवें स्टेप कर सकता। इन्हें एक बार मैंने कहा जी, मेरे इन्हें एक बार मैं कहा, मैं देखो ना नहीं, मैं कहा इस गलो सजाती इन्हें 46 सीट ते लेट के जेडी नागन बनी ना। अच्छा, इंज करके इन्हें जरा कीता है। रैंबो साहब, हमारी बस सर्विस आप अगर देखिए, हमारी ब्रांड न्यू बसेस हैं, और उनकी बस उन बसेस की फिर भी हर विजिट से पहले सर्विसेज की जाती है। इनकी 50 साल पुरानी बसें ना ब्रेक्स है ना कुछ है, और चलाई जा रही है। ब्रेक नहीं है, ब्रेक रैंबो साहब तलाशी ले लो, यकीन करो दिल करे थले सांप निकल आवे। और ते निकल आवे, सांप ने भी सफर करना, सांप इंसान नहीं सर, उन्होंने भी सफर करना है, सांप की कोई अपनी कन्वेंस है। अब पाजी ने गल की थी कि उन्हें ब्रेक नहीं है। रैंबो साहब मेरी गड्डी चेक करो, दो इटा रखियां ने। मैं ब्रेक नहीं तो इटा की मतलब, मैं उतर के गड्डी रोकना है, जिद शीशा खोल के गड्डी चल रही होंगी, अगे जाके इटा लाई दी उ गड्डी रोकी दी है। अच्छी कोई ना बोलो, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਦੋ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਜਾਣ 'ਚ, ਉਹਨੇ 'ਚ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਚਾਰ ਪੰਜ ਚੱਕਰ ਲਜਾਈਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਦੇ ਨੇ 72 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਵਿਆਹ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ। अच्छा, आपको बड़ा पता है, आप ये काम कब से कर रहे हैं इस सर्विस में? मैं 8 से 10 साल हो गए।
और इससे पहले क्या करते थे? यही चवल पुणा करते थे। अच्छा आप पहले यही बस चलाते थे? यही बस चलाना सामने। ओ तो एनु किसे कुड़ी? मेरी ट्रेनिंग। अच्छा देखिए। ओ तो एनु किसे कुड़ी ने मुंह नहीं लाया फिर ये चलाने लगा। ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली आप जो लात रख के ब्रेक लांदे हो ना सर की लातें छोटी है। असल में ना साडी ट्रेनिंग हुंदी है, साडी अच्छे तरीके नाल ड्रिल करदे ने, उस तो बाद सानू गड्डी साडे आ। आप लेकिन आपके रवैये में बड़ी तब्दीली आई है, पहले आप भी इसी तरह थे? मैं कहने आवा मैं भी पहले इंजी ब्रेक लाउंदा हुंदा सा। हां इंजी कट मारदा हुंदा, इंजी कट मारदा हुंदा सा। ਹੁਣ ਜਰਾ ਕੱਟ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਲਿਮਿਟ ਹੁਣ ਭਲਾ ਕੱਟ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਾਫਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, जल्दी बैठा माई नू अंदर कर, बैठा बैठा 8 बजे पहुंच देनी है। एक मिनट एक मैं हूं टाई नहीं लाई ना, यकीन करो मैं फैन हो जाता है। टाई लाई होंगी तो होर बुरा लगना था। बंदा चीका मारदा रवे जी गड्डी रोको गड्डी रोको, नहीं मैं अपने टर्मिनल ते जाके ब्रेक, अपने टर्मिनल ते जाके रोकनी है, बंदा भावे मर जाए विच तू नहीं गड्डी रोकनी। ते तेनू कौन कहना अंदर इनियां पेस्ट्रियां खाया कर, केडियां पेस्ट्रियां, मैं सुके बिस्किट देंदे हो तुसी, ताडा हमारा लंच बॉक्स में सब कुछ होता है। मैं कदे नहीं बिस्किट खा ले मेरे ढिड च, ओ वट फिरिया ओ वट फिरिया। ऐही मैं जेदे नु क्या हुंदा ना कि जेदे 2 मिंट गड्डी रोक, एने रोक लैणी नहीं सानू, ते सानू ते पाए जी मेरी सुन, सानू ते कहण दी लोड़ नहीं पैंदी, असीं अगले दी ढिड दी आवाज सुन लेगी। अच्छा शोर, अच्छा अगर मेरी गड्डी आप पैलियां नु टुर पैंदी। लेकिन आप जो हैं जगह जगह रुक के सवारियां उठाते, जगह जगह गंद पाउंदे ने, गंद तो की मुराद, मेरी मेरी गड्डी मेंगणा करती जांदी, लित करन दी हुंदी, बकरियां जाती हैं तो बकरियां इंसान नहीं, बकरी इंसान कैसे हो सकती है जनाब, जानदार ते है ना, ड्राइवर इंसान हो सकते ने ते बकरियां इंसान नहीं हो सकती, उन्हां दी हिफाजत करना भी साडा फर्ज है जनाब। मैं ते ओह बकरियां लोड कीतियां ने जनाब जी, जिहड़ियां मैं तुहानूं दस नहीं सकदा, ओह किहड़ियां ने? कई बकरियां नूं अल्लाह मियां ने मेरी गड्डी च खुशी विखाई, माई नाल पाई हुंदी सी, हुण इहनूं इहना तजुर्बा हो गया कि बकरी नूं कित्थों कुटणा, पूरी बस बकरी की बौली पी बस नहीं बोली थोड़ी सी भाजी, 20 क बंद ने पीती, बाकी मैं तुम उंज तो आप मंग लो ना। इनकी गाड़ी में जब ब्रेक लगती है तो कोई बंदा यूं यूं नहीं होता, अपनी सीट पे बैठा है, हफाजती बेल्ट लगे होंगे, वो सिर्फ उन्होंने लाए होंगे ने, इन्हू नहीं लाए होंगे जिहड़ी उत्ते डिगदी है। एक्सक्यूज मी, मैं अपनी सीट पे होती हूं, ये अपनी सीट पे बैठी है, ऐसी बार बेल्ट नहीं लाया होंगे। मैं दी बदतमीजी दसा, यकीन करो तुसी इन्हू प्रोग्राम चो कढ़ दे। नहीं नहीं क्या, मैं मोटर पे जा रहा था, मेरी पिछली सीट पे बैठी सी जी जी, चौथे गेरे जा रहा था जी, मेरे नाल गालबन 90 दी स्पीड ते जा रहा हो जी जी, इन्ने अचानक हाथ चला के करके गियर पंजवे च पाती गई, यकीन करो मैं4 घंटे के सफर में 4 मिनट भी नहीं गुजरे, हर पैसेंजर कह रहे मैम प्लीज फ्रेशनर, प्लीज फ्रेशनर, 3 बोतलां लगियां, यकीन करो महीना कढ़ने असीं एक बोतल नाल, जा काम कर जा के, कदी महंगी सवारी मिली जांदी है, ए महंगी नहीं बुसी तरक्की सवारी, और बुसी तरक्की नहीं जनाब भाजी, जड़ी गड्डी मेरी चो स्मेल आंदी ना हां जी, मैं तो उस तो बाद निमको खाना। इन्हां नूं इंसानियत दी कदर नहीं। जनाब हुण असीं जिहड़ियां साडे नाल सवारियां सफर करदियां ने जनाब, ओह आधी हो चुकियां ने। अच्छा मैं आराम नाल ब्रेक लावां तां मैनूं कहिंदे की गल नशे च। अच्छा मैं जिन्नी देर ब्रेक मारा सवारी मेरे पिछे धौण च ना वजे मैनूं सुकून नहीं आउंदा जनाब, ते सवारी नूं वी सुकून नहीं आउंदा, ऐ 3-4 टक्करां ना कि जिस दिन मारे गड्डी च, शादी जिन्हां दी बीवियां बहुत हो चुकियां ने, ओह ज्यादा सफर करदे ने,
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈ ਚਪੇੜ ਖਾ ਲਈ। ਚਲੋ ਕੋ ਬਹਾਨਾ ਤੇ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਬਹਾਨਾ ਤੇ ਬਣਦਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖ ਲਈ ਔਰਤ ਵਿੱਚ ਬਚਾਲ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੱਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀ ਜੀ ਝਟਕਿਆ। फिर इन्हें सिगर लाना शुरू करता, मैं फिर इन्हें हटाता। अच्छा मुझे ये बताएं, आपके साथ कंडक्टर भी होता है, कंडक्टर भी, हेल्पर भी होता है, हेल्पर भी होता है, वो दोनों काम करते हैं, बेगम भी होती है, वो दोवे सिर्फ ये काम करते हैं। यकीन करो पता, भाभी बैठी हुई है, कभी पापड़ ले आता, कभी नान पकौड़े ले आते, कभी चीजा ले आते। अच्छा आप साथ ही सफर करते हैं। इनकी बस जो है ना वो एक तारीखी बस है, इनके अपने दो बच्चे भी बस में होते हैं। असल में बस की कमानियां टूटियां है, मैं अपने बड़े मुंडे ना बैलेंस करने वास्ते इन बाया होता है एक साइड। जी मेरे दो बच्चे बस चो, इन्हें वे मुंडे का नाम ना रखा हारन खान। सर ये बहुत वाहियात सर्विस है, आप देखिए हमारी बसेस को देखिए, हमारी कंपनी का नाम बहुत ही नीट क्लीन लिखा होगा, उसके अलावा कुछ नहीं लिखा। इनकी बसेस के पीछे देखिए आपने क्या ये क्या हारन दो, रास्ता लो और फासला रखो, वक्फा बहुत जरूरी है। अरे देखो पीछे कोई रास्ता नहीं, हारन नहीं देगा तो किवें पता लगेगा पीछे कोई आ रहा है। और लिखे ना कि हारन दो रास्ता लो, काबिल कबूल है, नुक्कर ते लिखा सी, मैं एक दिन पढ़े आओ गया कोलो लंघ के जो जाना अगला कहना आओ गया बाहर तो ठीक है, अब जैसे ही बस के अंदर चढ़ो तो पूरी लगता है कि आप शेर व शायरी की पूरे गंदे शेर लिखे होते हैं। वो वॉशरूम नहीं है, बस है वो गंदे शेर लगा लिए की चाहनी है दा। अपनी अपनी जेब की खुद हिफाजत करें। चोर डाकू चढ़ते ने, असि हुण किसी नूं लात नहीं ना सकदे रहे, बस तुहाडे वर्गे कई बंदे जेब तराज विच आ जांदे ने ते असि उहनां नूं मेरे वर्गे क्या नहीं, मतलब तुहाडे वर्गे शकलां हुंदियां ते उह लगदे नहीं हुंदे जेब तराज ने। ठीक है ना, इक अद्धा परसों ते तुसीं वी चुके आई मैनूं पता, लेकिन आप अपनी लैंग्वेज चेंज करें, आप इंस्ट्रक्शन लिख दीजिए, ये क्या हुआ, रोल तो गया पर चस बड़ी आई है, ये गाना मशहूर है। अच्छा लेकिन देखें आप थोड़ी सी उसमें तब्दीलियां लेके, मतलब ऐसे स्टीयरिंग पीछे लुवा लिए, हमारे कान से कह दें कि थोड़ा बहुत आप अपनी सीटें, आपकी कीलें चुभ रही होती हैं, सीटें टूटी होती हैं, सारी जड़ियां सारी बैठती है, बैठने से फौरन बाद आवाज आती है, आई मैं अपने जेदे की गड्डी जो बहनी है ना, जो मुसाफिर बिठाने होंगे ने, एक एक सीट से बैठ के चेक करनी है, किसी को भी मसला तो नहीं होगा, पूछो जरा। और ये बहनी आई दी आवाज नहीं आती, ये तो बहनी सर जी ये मेरी वो सवारी है, मतलब एक सीट ते बहिंदी सी हमेशा जी, एक किल उत्थे लगा सी, अज तक शिकायत नहीं की, किल दी जगह बन गई हुण। एक बारी मैं किल पुटा दिता ते बैठी, इहनूं तकलीफ होई, इहने कहिंदी ओह किल किथे, मैं सर फिर दोबारा लवाया। कि जो आपके साथ सफर करते हैं वो भी इंसान होते हैं, वो भी टिकट देते हैं, आपकी सीट्स इतनी नजदीक होती हैं कि लंबी टांगों वाला बंदा तो उसमें सही तरह बैठ भी नहीं सकता। ओ, छाते पर भी छाते पर लता बिछा के मैं कहने कौडू नहीं सफर कर सकता, ओदियां लता लगन, कौडू नूं मैं की सफर कराना जनाब, कौडू साहब नूं 6वीं सीट ते पाया पिछे जी, मैं एक ब्रेक मारी मेरे तो पहले लाहौर पहुंचे जनाब पेट्रोल वेखो खर्चे वेखो किवें पूरे करने ने। सब तो अहम गल पता की जी, के देखो साडी बस से साडे कोल एक एमरजेंसी गेट भी है जी, बिल्कुल अल्लाह ना करे बस दे विच कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, गड्डी दे विच अग लग जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, साडे कोल एक एमरजेंसी गेट है सवारियां कढ़न दा, इहनां दा कोई गेट नहीं हैगा, अक्सर हादसे हुंदे ने। झूठ बोलदा जनाब, जिथे मैं बैठा उथे गेट कनेक्टर गेट, फिर सारे शीशे चुक लो, सारे गेट ही ने जनाब, एमरजेंसी में शीशे लॉक हो जाते हैं। नहीं 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 नहीं, ओ साडी गड्डी दे नहीं हुंदे, तुहाडी गड्डी दे हुंदे होणगे, इनकी गाड़ी में तो शीशे भी नहीं होते। ओ जनाब आप नहीं लुवाई दे
ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਰੀ ਨੇ ਸਿਰ ਬਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ कोविड का कितना प्रॉब्लम है हमारी बस में आके देखिए एक सीट खाली है अगली सीट पे पैसेंजर है हमने एसओपीस पे अमल कर रहे हैं आपने क्या किया चलो जी ए गल मैं मानना कोविड दा साडे को नहीं है तमाम मतलब कोरोना दा थोड़ा जिहा परहेज नहीं है साडे कोल लेकिन असीं भी सैनिटाइजर रखे है जनाब लेकिन साडी बस च बैठण वाले किसे नूं कोरोना नहीं होया अज तक मैं तुहानूं इह दसदा ते साडे को सवारी जनाब वो पैंदी है जिहड़ी एक कछाप लाउंदी एक बकरी नूं लाउंदी ना आप जब गियर बदलते हैं गियर बदलते हुए दो दफा आप एक्सीलेटर देते हैं बीच में एक आवाज आती है आप जा रहे हैं ये क्या होता है जनाब टेप लगी होंगी उच्ची आवाज उस मैं भूल जाता गड्डी स्टार्ट है कि नहीं वो फिर रेस देखना शू चेक करना पैंदा कई बार मैं बंद गड्डी इस्लामाबाद पहुंच गया जी बंद गड्डी गड्डी स्टार्ट नहीं होंगी इस्लामाबाद उतरिया जा चलें जी अब आपने अपने मर्जी से गाड़ी चलानी है आप जैसे चल रहे हैं आप वैसे ही चलेंगे हुण सड़कां बन गईयां ने काफी एहतियात हो गई हुण साडे च वी इन्ने जंप जुंप नहीं लगदे तुहाडे वी नहीं लगदे लेकिन जो थोड़ी बहुत शिकायतें हैं आप उनको हल कर दें ताकि आपके पैसेंजर भी इंजॉय करें ठीक है जेडी मेरी बस एंजॉय है इन्हूं मैं इंज करा लूं करा लो और आपका शुक्रिया जी आप तशरीफ लाए आप आइएगा जरूर हमारी बस सर्विस जी जी सवारियां घरों चो फसाउंदे ने जी जी मैंने भी मैं आपको सही बताऊं मैंने इनकी बस में भी सफर किया और आपकी बस में भी सफर किया हुआ साडी बस से ऐसी कोई बात नहीं स्टार सफर कर मैं तो दो तीन बार इन्हें लाता सी वाइपर लेके गाड़ी से चढ़ गए शीशा भी तो साथ किया था नहीं आपका ये भी है और बाहरों करी जाए अंदरों कर ले जदव साहब आपका शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी खातिन हजरात अगले शो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज रब रखा माई अंदर कर आप देख रहे हैं जान रैम्बो YouTube चैनल टैन टैन देखते रहिए हाँ ना